किया और पूरे बिहार की महिला को संस्कार करने का काम किया, ये कहने में आपको बहुत कठिनाई है, लेकिन मैं डंके के भी चोट पे कहूंगी कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज महिलाओं का अपमान सरेआम सदन में किया है, बिहार की जनता और बिहार की हमारी महिला आने वाले समय में इनको सेक्स का ज्ञान देने का बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। और जितनी भी आज इसकी निंदा की जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग अब खराब हो चुका है, उनकी सोच जो थी वो परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है, और सिर्फ सत्ता पर कैसे बने रहे इसके विषय में मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। लेकिन अब बहुत कम समय बच गया है मुख्यमंत्री जी का, इनका दीपक का जो दिया का तेल था वो समाप्त हो चुका है, और जब दीपक बुझने वाला होता है तो ज्यादा टिमटिमाता है, वही स्थिति नीतीश कुमार की बन गई है। अब इनका सूर्यास्त का समय हो चुका है और दिमागी हालत भी अब इनकी ठीक नहीं है, इसलिए अब इनको राजकुमार व्यक्तिगत ना हो, ठीक है, नीतीश कुमार जी जो भी है जैसे भी है व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत ना हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ दीजिए राजकुमार जी, आखिरी कमेंट है ये। एक तो बहन निवेदिता जी कह रही है दीपक बुझने वाला, हमारा दीपक चमक रहा और चमकता रहेगा, दीपक आगे बढ़ता रहेगा, दीपक बुझेगा नहीं। दूसरे आपके पूरे शो में अभी तो दीपक को बीजेपी वाला बता रहे थे आप, और निवेदिता जी अभी तो दीपक को बीजेपी वाला बता रहे थे आप, गजब है भाटी जी। सॉरी, इतने सीरियस विषय में हंसा रहा हूं लोगों को, आपत्ति की आदत होती है। आपने तो आपत्ति की बॉडी लैंग्वेज पे, निवेदिता जी आपत्ति कर रही है प्रजनन दर की बात क्यों करी, प्रजनन क्षमता की, और एक ऐसा आपत्तिजनक शब्द बोल गई निवेदिता जी। अगर बवाल ही करना हो तो इस पर बवाल हो सकता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को सेक्स एजुकेशन देंगी, ये अगर बवाल ही करना हो तो एक एक शब्द पे किया जा सकता है। आपने कैसे ये अभद्र शब्द बोल दिया, अभद्र वाक्य बोल दिया आपने, पहले आप कह रही थी बच्चे मोबाइल लेके पैदा हो रहे हैं, आरोप लगाया, सुन लीजिए उनके बाद, दोनों अभद्र है या नहीं है, आपने आपने अभी कहा महिलाएं सेक्स एजुकेशन देंगी, मैंने ये अभद्रता की श्रेणी में आता नहीं आता, जैसे ये अपमानजनक है नहीं है, गलत बता रहे हैं, ये महिलाओं के लिए आपत्तिजनक है नहीं है बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, मैंने भी वही कहा, रासलीला वो कर रहे हैं, ज्ञान बांटेगी महिलाएं, कुछ भी बोले जाओ ना ना। अब भाटी जी सुन तो लीजिए ना, निवेदिता जी को मत ढोकिए ना, आपने अपनी बात कह ली, मुद्दा बना रही है। अरे दीपक जी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, आपके लिए भाटी जी कोई मुद्दा नहीं होगा। अरे आप संवेदनशील हो तो ऐसे अभद्र भाषा में बोलते, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, महिला आयोग ने नीतीश से जवाब मांगा है विधानसभा में।